आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कानपुर द्वारा कानपुर क्लब कैंट में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर ऋचा वाजपेयी, प्रभारी अधिकारी ब्लड बैंक UHM अस्पताल, डॉक्टर उमेश पालीवाल अध्यक्ष, डॉक्टर अंगद सिंह कोषाध्यक्ष, RK सफर सचिव ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में रक्तदान करने वालों में लखन शुक्ला, मास्टर ट्रेनर रेडक्रॉस, विशाल भारती, राधा संजय अग्रवाल समेत 38 लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर उमेश पालीवाल ने रक्तदान करने वाले सभी रक्तदानियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नियमित रूप से जो लोग रक्तदान करते हैं वे व्यक्ति ऊर्जावान और रोगों से दूर रहते हैं। डॉक्टर ऋचा वाजपेयी, चिकित्सा अधिकारी UHM अस्पताल ब्लड बैंक ने कहा, रक्तदान करने के बाद शरीर में नया रक्त आ जाता है। एक बार रक्तदान करने वाले 4 व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं, इसलिए रक्तदान महादान है। RK सफल सचिव रेडक्रॉस ने बताया, एक स्वस्थ व्यक्ति 18 साल की उम्र में लगातार 65 साल की उम्र तक साल में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है। लखन शुक्ला मास्टर ट्रेनर ने बताया, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है दवा से वह नियंत्रण में रहता है, साथ ही साथ जिन लोगों को शुगर की दवा गोली खाकर नियंत्रण में रहते हैं वे भी रक्तदान कर सकते हैं। इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता, ये एक ऐसा दान है, दान देने वाले को ये नहीं पता होता रक्त किसको जा रहा है। साथ ही साथ ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि रक्त लेने वाले व्यक्ति लेते समय किसी भी जाति और वर्ण का खून नहीं मांगता। रक्तदान करने वाले व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारियाँ होने के भी चांस कम रहते तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश पालीवाल, डॉक्टर अंगद सिंह, RK सफल, AN द्विवेदी, RP मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज 1 अक्टूबर नेशनल शैक्षिक रक्तदाता दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हमारे योगी जी और हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को रक्त जो है वो बिना एक्सचेंज के प्राप्त हो। उसी के मद्देनज़र आज हमारा रेडक्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब कानपुर सूर्या, वीकेंड और कानपुर क्लब के साथ में एक बेहद रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर कर रहा है। लोग बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति का 4 व्यक्ति की जीवन बचता है एक खून से, तो उसी को चरितार्थ करते हुए लोग रक्त दे रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि इस समय चूँकि ये इसके दिन चल रहे हैं अपने पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में दान देना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है हमारे साथ में रोटरी क्लब के लोग हैं, हमारे साथ काफ़ी संस्थाओं के लोग हैं और वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। रक्तदान महादान है, एक व्यक्ति 4 लोगों का जीवन है। सफर से आज कितने रक्त का लक्ष्य रखा गया है? आज हमारा 75 लोगों का लक्ष्य रखा गया है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी महोदय 12 बजे तक यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं और जिलाधिकारी महोदय आएंगे, समझता वो भी रक्तदान करेंगे और हम लोग जो है उनके रक्त से। इसका जो रक्त का विशेष वो है, आज महिलाओं ने जो है अपनी भागीदारी, जो मोदी जी कहते हैं कि 33% होना चाहिए, हम समझते हैं कि 40% उनकी भागीदारी यहाँ पर हो रही है। हो सकता है कि मोदी जी के प्रभाव से यहाँ पर बढ़ गया हो, लेकिन महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसके अंदर, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को रक्तदान करना चाहिए एंड थैंक्स टू ये सोसाइटी की उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। उन्हें देना चाहिए एंड ये सोसाइटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड मैं ऑलरेडी 2-3 बार दे चुकी हूँ, उनके सौजन्य से मुझे फिर से मौका मिला।